हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेखा चौबे रेसिपी। तो हम आज की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम फटाफट परवल फ्राई करते हैं और ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत फास्ट बनती है। उसके लिए देखिए, मैंने ये परवल लिया है और इसको नॉर्मल नाइफ से मैंने इसे पील कर दिया। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छी तरह से ही पील करें। ये देखिए, ऐसे अपने सारे परवल को पील कर लेंगे और ये बीच से हम इसको बस चीरा लगा देंगे। यहाँ हल्का सा, ये देखिए ज्यादा नहीं, बस एक हल्का सा होल कर दिया मैंने। ये भी लिया, बस यहाँ मैंने परवल को अच्छे से धो लिया और मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है। अब मैं इसमें 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल देती हूँ। अब मैंने इसमें जीरा डाल लिया है। जीरा मेरा लाल हो रहा है और मैं 2 यहाँ हरी मिर्च डाल दिया कट करके। यहाँ मेरा दाल बन रहा है और इधर चावल बन रहा है और यहाँ आप देखिए, अब मैं इसमें अपने परवल डाल देती हूँ और ये बहुत ही टेस्टी होता है। आप एक बार जरूर ट्राई करना। अब इसको हम मीडियम और हाई फ्लेम पे पकाते रहेंगे। तो बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब मैं यहाँ 1/2 स्पून से भी कम हल्दी पाउडर, 1/2 स्पून लाल मिर्च, अगर आप कम तीखा खाते हैं तो कम डाल सकते हैं, और ये जीरा और काली मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी धनिया पाउडर, और मैं यही 1/2 स्पून मैंने इसमें नमक डाला। इसमें नमक थोड़ा कम ही डलता है। अगर आप यहाँ चाहें तो गार्लिक जिंजर यानी कि लहसुन और अदरक का पेस्ट भी थोड़ा सा 1/2 स्पून डाल सकते हैं। मैं यहाँ नहीं डाल रही हूँ और इसको थोड़ी देर और भून देंगे। और ये सिर्फ 10 मिनट भी टाइम नहीं लगता इसको बनाने में। और आप इसको खा के देखिए, अपने मेहमानों को भी खिलाइए, इतना टेस्टी लगेगा बिना तारीफ के वो रह नहीं सकते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए इसको बनाने में पूरा 10 मिनट्स लगा और ये कंप्लीट हो गया। ये पक गया है, बिल्कुल कहीं से भी कच्चा नहीं है। और इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए, ज्यादा टेस्टी लगता है। तो एक बार आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। हमें गैस मैंने यहाँ बंद कर दिया और ये देखिए, वाओ, तो ये देखिए कंप्लीट हो गया। बनाइए, खाइए और दूसरों को भी खिलाइए और मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।